और ऐसे ही दुआ एक अमल है, हम दुआ करते हैं और इसका बदला और इसका अजर और इसका फ़ायदा मुर्दे को भी हासिल होता है। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स का मरने के बाद दर्जा बुलंद हुआ तो उसने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बे करीम, मेरा तो अमल मुनक़ते हो गया, ये अब मेरा दर्जा कैसे बुलंद हुआ? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये तेरी नेक औलाद ने अभी तेरे लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़रत की है, उसका नतीजा। इसलिए हम आले सुन्नत का ये अकीदा है कि अगर हम कोई अमल करते हैं और ये जहन में रखें, चाहे वो फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफल हो, मुस्तहब हो, इस सब का सवाब ईसाल किया जा सकता है। फ़तावे आलमगीरी में अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इस फ़तावे शामी को रद्दुल मुख्तार भी कहते हैं। ये फ़िक्ह हनफी की एक मशहूर किताब दुर्रे मुख्तार की शरह है। इसमें आपने ख़ुद ये लिखा मसला कि फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, सुन्नत व नफल हो, सब का सवाब आप बख्श सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो हम बाज़ लोगों में गलत फहमी होती है कि कुरान खानी कराओ उसका सवाब बख्शो, या आयत करीमा करवाओ फिर करो, तो इसका भी पहुँचेगा और आप एहतमाम करना चाहें तो हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उसका सवाब ईसाल कर दें, आप कोई नफली काम करते हैं, आपको सदका करते हैं, सबका सवाब। अच्छा, ये भी मैंने देखा है, अगर मेरी बहनें भी सुन रही हैं या बाद में सुनेंगी, बहनों में ख़ास तौर पे मैंने एक बुखल किसी कैफियत देखी है। एक कुरान ख़त्म किया, भाई किसके लिए? नानी के लिए, ये सिर्फ मेरी नानी के लिए। दूसरा कुरान पढ़ेंगी, या अम्मी के लिए। अरे भाई, आप क्यों बुखल कर रहे हैं? जब अल्लाह की रहमत बड़ी है, वो अजर देने के लिए तैयार है, और आप अगर एक कारोबार से इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख रुपए कमा सकें, और दूसरा कहे कि अगर मैं थोड़ी सी टेक्निक बताऊं, यही 1 लाख 1 करोड़ में बदल सकता है, तो फिर उधर क्यों ना जाए कि भाई 1 करोड़ कमा लें? तो हम कहते हैं इसके लिए, इसके लिए। हालांकि आला हजरत ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई एक कुरान पढ़कर फ़र्ज़ कर लें 10 मुर्दों को बख्शेगा, तो सबको पूरा पूरा कुरान का सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ सिपारे जा रहे हो, पूरा पूरा कुरान का सवाब मिलेगा, और बख्शने वाले को 10 कुरान का सवाब मिलेगा। इसलिए फिर फरमाते हैं कि बेहतर है कि यूं इसारे सवाब करें कि सबसे पहले अपने आका की बारगाह में पेश करें कि या रब्बे करीम, इसका सवाब मैं अपने आका की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल मंजूर फरमा, और आपके वसीले जलीला से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान दुनिया से पर्दा फरमा चुके, जो दुनिया में मौजूद हैं और जो क़ियामत तक आएंगे, सब के नाम अमाल में मुंतकिल कर दे, तो इसका मतलब सबको पहुँचेगा और आपको उन सब की तादाद के बराबर मिलेगा। तो बुखल क्यों करें साहब? हम ये सोचते हैं कि नहीं, अगर दादा को भी कर दिया, दादी को के साथ साथ दादी कहेंगे ये तुमने क्या किया, सारी ज़िंदगी दादा को बर्दाश्त करती रही, तुमने मरने के बाद भी मेरे साथ कर दिए पार्टनरशिप। अरे भाई करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बुखल की कैफियत से हमें बाहर निकलना चाहिए, हमेशा वसत रखें। अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम है, हर एक की कब्र में नूर उतरता है। जब आप इसाले सवाब करते हैं इज्तिमाई तौर पर, तो कुबूर में नूर उतरता है। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं सफ़र कर रहा था, कब्रिस्तान के पास से गुज़रा तो मुझे एक नूर नज़र आया, तो मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा लगता है कि अल्लाह ने इन सब की बख्शिश की है, कैसा नूर नाजिल हो रहा है। तो मुझे एक गैबी आवाज़ आई, वो गोया कि एक मुर्दा कह रहा था। उसने कहा कि ये नूर एक शख्स के ईसाले सवाब का है। तो मैंने कहा वो क्या था? उसने कहा उस शख्स ने एक दिन वो अपने हुजरे से बाहर आया और 2 रकत नमाज इस तरह पढ़ी कि अलहम शरीफ के बाद 1 बार कुल या अय्युहल काफिरून और 1 मरतबा सूरह इखलास, 2 रकतों में से पढ़ के इसका सवाब हमें बख्शा, ये नूर तुम उसका देख रहे हो। तो हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने तहिया कर लिया, मैं भी इसी तरह इस साले सवाब करूँगा। कुछ अरसे बाद कहते हैं मुझे ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और सरकार ने इरशाद फरमाया कि ए मालिक, जितना तूने मेरी उम्मत को हदाया भेजे, उसके बदले में अल्लाह तबारक व ताला ने तेरी बख्शिश फरमा दी। और ये अच्छी तरह याद रखें कि जब आप अपने जहन में वसत पैदा करके, खुसूसन अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम, औलिया इज़ाम और अहले बैत अतहार को ईसाले सवाब करते हैं, सवाब ईसाल करते हैं, उनके पास पहुंचता है,
آپ کے نام کے ساتھ، آپ کے والد کے نام کے ساتھ تعارف ہوتا ہے، یہ فلاں بن فلاں نے بھیجا ہے، اس سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، ان کی قبور میں انوار و تجلیات اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انہیں روحانی سکون ملتا ہے۔ جب آپ ان کے لیے اس طرح روحانی سکون اور درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں، علماء کہتے ہیں، اب ذرا تصور میں سوچیں، جب آپ میدان محشر میں پہنچیں گے اور ان نفوس قدسیہ کو اللہ تعالیٰ اذن شفاعت عطا فرمائے گا، تو یہ کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں، یہ تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہاری شفاعت کریں گے۔ تو اس لیے بالکل جیسا بھی یہ محفل ایک پرٹیکولر والد صاحب کے لیے رکھی گئی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اجتماعی صالح ثواب کریں اور آخر میں کہیں خاص طور پہ ان کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو جیسے بھی یہ رکھی گئی ان کے لیے خاص اصال ثواب، اور دعا میں سب کو بخش دیا جائے، سب کو اصال کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی میدان محشر میں، اور پھر ہم اہل سنت کے لیے خاص طور پہ بڑی سعادت کی بات، ہم کوئی زندگی میں ایک بار نہیں کرتے ہیں، ہم تو بار بار کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں ایسے مواقع دیے ہیں کہ ہم بار بار اصال ثواب کرتے ہیں، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کبھی سرکار کی میلاد مناتے ہوئے، کبھی خواجہ صاحب کی چھٹی مناتے ہوئے، کبھی داتا صاحب کا عرس کرتے ہوئے، زبردست قسم کا یہ سال۔ تو انشاءاللہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اور ہمارے وسیلے سے، اگرچہ وہ محتاج نہیں ہے، وہ تو بالکل محتاج نہیں، لیکن ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ہمیں تحفہ دے اور میں پیسے والا ہوں تو میں اس کو جواب میں دوں گا، اگر میں سخی ہوں تو جواب میں دوں گا، اور فرض کر لیں کسی نے مجھے 100 روپے دی اور میں کروڑ پتی ہوں تو میں اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا۔ تو اب اندازہ کریں کہ ہم ثواب ہی سال کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اور ان بزرگوں کی طرف سے جو جواب آئے گا وہ ان کے درجات کے اعتبار سے آئے گا، وہ ہوگا کہ آپ سوچئے ذرا۔ اس لیے یہ بہت اچھی محفل ہے، اس طرح کی محافل بھی سجائیں، اور ویسے بھی آپ ذہن بنائیں کہ جو کچھ آپ نیک عمل کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے نیک عمل کی اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، جتنے گئے، جتنے موجود ہیں، جتنے آئیں گے، سب کو پہنچا دے، سب کو پہنچے گا، اور آپ کے نام اعمال میں سب کی تعداد کے برابر۔